नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को रेगुलर बेसिस के ऊपर फॉलो करते हैं, देखते हैं वीडियोस को, सब्सक्राइब जिन्होंने करके रखा है, वो तो आज बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्होंने SBI का स्टॉक यहाँ पर लिया हुआ है। तो सर, मैं आपको कहना चाहूँगा, SBI का स्टॉक तब बहुत नीचे हुआ करता था और मैंने 2021 के लिए सिर्फ एक ही स्टॉक यहाँ पर अगर लेना होता हो तो मैंने SBI का नाम यहाँ पर आपको बताया था कि अगर एक स्टॉक लेना है 2021 के लिए तो वो स्टॉक होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जिन लोगों ने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करके रखा है तो आज तो उनका मोटा पैसा बन रहा है। और इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर एक आर्टिकल भी आया है कि हाथी नाच रहा है, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर डांस करता हुआ आपको दिखेगा एलिफेंट। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्रीज का एक जायंट है, एलिफेंट के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। तो सर, आज आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी सर, 395 रुपये का हाई और एक साल का रिटर्न अगर आप देखिए, एक साल में स्टॉक यहाँ पर आपको 22% का रिटर्न कम कर दे रहा है और 6 महीने में तो क्या ही बात यहाँ पर रिटर्न की करें हम लोग, 106% का रिटर्न बनाकर दे रहा है। आज के दिन स्टॉक लगभग 12% के आसपास तेज है, 15% तक बढ़ा था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। और इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर ये आर्टिकल आया है, द एलिफेंट हैज स्टार्टेड डांसिंग, SBI प्राइस टारगेट हैव राइजन बाय अप टू 83%। यानी कि जो इनका टारगेट प्राइस यहाँ पर SBI का रखा हुआ है, अगर आप देखें इस प्राइस के ऊपर से भी अगर आप देखें तो लगभग 83% के आसपास बन रहा है। तो क्या टारगेट प्राइस है, क्या कुछ है, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन सर, छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए आसपास कहीं पे सब्सक्राइब करके लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ, ताकि आगे चलकर जिस स्टॉक में यहां पर निवेश का असली मौका बनेगा वहां पर आप पहले से एंट्री करके बैठ पाए। इसलिए यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप देख पाएंगे, SBI रिपोर्टेड अ 7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट फॉर द दिसंबर क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर तो इनका डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट के अंदर 7% का, बट बीट एनालिस्ट एस्टिमेट, लेकिन एनालिस्ट का जो यहाँ पर एस्टिमेट था उसको बीट कर दिया है, जिसके चलते देखेंगे स्टॉक यहाँ पर आपको तेजी का तूफान दिखा रहा है। कल भी यहाँ पर 6% बढ़ा था, आज यहाँ पर 12% के आसपास बढ़ चुका है। और यहाँ पर देखिए, द मार्केट फील्स दैट वर्स्ट मे बी ओवर फॉर SBI बैलेंस शीट एज अ स्टॉक सोल्ड 15% इन हाई एंटर्ड गेन सिंस मार्च 2020 टू रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹408.35। तो 408 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई इसने यहां पर लगा दिया है। और यहां पर देखे तो और भी क्या कहना है, एनालिस्ट हैव रेज देयर प्राइस टारगेट ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय 83%। तो जो एनालिस्ट है वो 83% इसका टारगेट प्राइस जो कि बढ़ा दिया है और जो टारगेट प्राइस यहाँ पर निकल कर रहा है। ब्रोकरेजेस फ्रॉम CLS ACS स्पेसिफिक मार्केट रिटेन इट्स बाय रेटिंग और द स्टॉक अपग्रेड इट्स प्राइस टारगेट 45% टू 560 रुपया, यानी कि 560 रुपये पे CLS का मानना है ये टारगेट प्राइस यहाँ पर आ सकता है। और देखें तो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो इसका यहाँ पर देखिए तो जो टारगेट प्राइस है वो 450 का रखा गया है। तो सर, यहाँ पर आप समझ ही सकते होंगे कि कितना यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो सर, यहाँ पर 2021 के लिए एक स्टॉक यहाँ पर किसी को अगर लेना चाहिए तो मैंने SBI का नाम यहाँ पर ऐसे ही नहीं बताया था। तो सर, मैं आपको कहना चाहूँगा, SBI को अगर आप छोटे में हल्के में लेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कुंडली मार के बैठ जाइए, स्टॉक को बेचना नहीं है, ये स्टॉक आपको तगड़ा मोटा मुनाफा देकर जा सकता है। और मेरे एक व्यूअर्स ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर टाटा मोटर्स के ऊपर क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट में होता है। मैंने उसको कहा था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए भाई। तो अगर उन्होंने प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक किया था तो देख पाएंगे कि दो दिन से स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ चुका है। लेकिन मैं दोबारा से उनको कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी वो लगभग हो चुकी है, वापस से आपको टाटा मोटर्स के ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है, हो सकता है मंडे को ही यहाँ पर तेजी देखने को मिल जाए। बाकी और आप किस स्टॉक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना पसंद करेंगे वो आप कमेंट कीजिए, यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और बाकी सब देखेंगे तो आज यहाँ पर मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पर आपके लिए अपलोड किया है, 5 स्टॉक, सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक यहाँ पर आपको बाय करना होगा और उसको ज़िंदगी भर के लिए भी अगर आप रख देंगे तो आप यहाँ पर इतना पैसा बना लेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का फिर लिंक मैं दे दूंगा, आप जाइए उस वीडियो को, गारंटी यहाँ पर आपको देखना है, डेफिनेटली देखना है। तो उस वीडियो को देखिए, 5 स्टॉक, बेस्ट 5 स्टॉक फॉर लाइफ टाइम, ये स्टॉक आपको मतलब इतना रिटर्न देकर जाएंगे। और उनमें से अगर एक भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहा तो आप कमेंट करके मुझको जरूर से बता दिया कीजिए। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो मैंने जैसा कि आपको कहा किस टॉपिक के ऊपर देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट कीजिए।
और जितने भी सवाल आपके मन में उठते हैं सर, जितने भी सवाल आपके मन में उठते हैं वो सवाल यहाँ पर आप कमेंट कीजिए आपका भाई, उन सवालों के ऊपर यहाँ पर डेफिनेटली आंसर आपको मैं दूंगा। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक मैं यहाँ पर सीरीज़ लेके आ रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो कम्प्लीट एडुकेशन है वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे निवेश करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर क्या कुछ देखना चाहिए, ये सारा कुछ इसके ऊपर एक सीरीज़ मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। आपको बैक टू बैक 5 वीडियोस यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो संडे के दिन से लेकर संडे से लेकर फ्राइडे के बीच में वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ताकि आपको मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और SBI कट क्या टारगेट मैं क्या मानकर चल रहा हूँ ये भी बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो सर देखिए, अभी अगर आप देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ी होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको मौका देगा खरीदारी करने के लिए। तो जब ये स्टॉक नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए सर, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने रिटर्न अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। जो उसका 33,000 के आसपास का जो हाई था 32,900 के आसपास, उसको तो उसने तोड़ दिया, 35,000-36,000 पहुंच गया, ठीक है सारा कुछ वो बात ठीक है। लेकिन रिटर्न की बात करें तो निफ्टी से अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न के मामले में पीछे है। तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर आपको रिटर्न देती हुई नज़र आएगी। और जो RBI की क्रेडिट पॉलिसी यहाँ पर आई है तो उसके चलते भी देखिए बैंकों को, जो सरकारी बैंक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बैड बैंक्स का जो यहाँ पर कुछ सिलसिला यहाँ पर चल रहा है कि बैड बैंक्स बनाई जाएंगी, कुछ ARC वगैरह बनाई जाएगी, तो उसके चलते भी देखिए SBI और PNB ये दो बैंकों को बहुत अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो सर PNB के ऊपर भी मैंने वीडियो आपको बनाकर बताया था कि पुरानी बातों को भूल जाए, PNB नया बनने वाला है। तो सर जो लोग फॉलो करते हैं नो अबाउट इन्वेस्टमेंट को तो वो तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटा मुनाफा कमा रहे होंगे। और मैं आपको अभी भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, SBI मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है और बहुत नीचे के प्राइस में भी है, बहुत ऊपर के प्राइस में भी, एवरेज प्राइस मतलब मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। और मैं SBI को यहाँ पर लंबे अवधि के बारे में सोचने के बारे में सोच रहा हूँ। तो आपको भी यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक SBI में निवेश नहीं किया है तो मौका ढूंढे, जब भी मौका मिले यहाँ पर लपक लीजिए, स्टॉक को दबोच लीजिए, आपको निकलना नहीं है। लाइफ टाइम के लिए अगर आप रखना चाहते हैं किसी स्टॉक को तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो जाइए उन वीडियोज़ को देखिए और ये वीडियो कैसा लगा लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर से बताइए। थैंक यू, जय हिंद।